थी कि इस तरह का चुनाव पहले हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। 75 साल का जो इतिहास है इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत के इतिहास में इतना बेहतरीन चुनाव कभी किसी का नहीं हुआ। जिस तरह से लोगों ने, जनता ने जिस तरह चुनाव लड़ा, वो लोकतंत्र की असली ताकत को दिखाता है। जो तानाशाह लोग ये समझते थे कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा होगा, उनको ये पता चल गया कि ये जनता है, ये बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। तो जैसे मैं पहले से कहता रहा हूँ, चुनाव से ज़्यादा ये एक आंदोलन था, और जिस तरह आंदोलन में लोग पूरी ताकत से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं बदलाव के लिए, ऐसे ही वोटिंग में भी वही पैटर्न दिखा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आंदोलन के लोग विनम्र होते हैं, सहनशील होते हैं। हमारे लोगों ने हर बूथ पर, किसी एक भी बूथ पर झगड़ा नहीं होने दिया, तनाव नहीं होने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरे पक्ष ने हर जगह कोशिश की विवाद करने की, लेकिन हमारे लोग हर जगह विनम्र रहे, शालीन रहे, उन्होंने किसी भी तरह की इस तरह के तनाव को और इस तरह के लड़ाई झगड़े से हमारे लोग बचे। इसके लिए मैं पूरे इलाके के लोगों का हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा। कितनी वोटों से आप जीतने वाले हो, आपका दिल कितने पर टिका हुआ है सर? करीब करीब 20,000 प्लस वोटों से जीत हो गई। अच्छा। देखिए, हमेशा लोकतंत्र में मतदाता जो रहता है वही नेता बनाता है। हमारे इलाके के लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया, साथ दिया हमारा, और जिस तरह की स्वीकार्यता, जिस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी मुझे लेकर रही, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शायद मेवात में किसी को प्यार मिला हो, शायद। पूरे इलाके में चर्चा है इस बात की, बेहतरीन चुनाव था, और हम लोग आश्वस्त हैं, बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और ये जनता की जीत होगी, हर आम आदमी की, गरीब आदमी की जीत होगी। देखो, जीतने के बाद लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, और हमने लोगों को भरोसा भी दिलाया है कि आम जन से जुड़ी हर समस्या का बेहतरीन से बेहतरीन जो सॉल्यूशन हो सकता होगा, जो समाधान हो सकता होगा, हर छोटे से छोटे मुद्दे को, हर छोटे से छोटे मसले को गंभीरता से समझकर और उसका सही समाधान ढूंढने के भरपूर प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र को ले लो, चिकित्सा को ले लो, सड़कों को ले लो, और तमाम जो आम जन से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें तमाम तरह का भ्रष्टाचार है। किसी भी योजना को ले लो, उसमें नेताओं को बड़े स्तर पर पैसा चला जाता है, आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते बहुत थोड़ा सा पैसा रह जाता है। इन तमाम चीज़ों को जब नेता ईमानदारी से काम करेगा तो आम आदमी तक पूरा पैसा पहुँचेगा, और जो योजनाएँ हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, आप यही संदेश देंगे, दुआ कर दीजिए, आपने अभी तक की हैं दुआएं, और दुआएं कीजिए। ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी, ये अपने अंजाम तक पहुंचे, आप लोगों की जीत हो, और फिर हम सब मिलजुल कर इस इलाके की बेहतरी के लिए उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ काम करेंगे जिस जोश के साथ हमने चुनाव लड़ा है। तमाम नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द आप तक पहुँच जाऊँगा, हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बनकर इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, अपनी जवानी लगाएंगे, अपना जीवन लगाएंगे, और इस मुल्क को और इस इलाके को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे।